हेलो स्टूडेंट्स, तो सबसे लास्ट पॉइंट में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डायमेंशन होता है उसको हम कैसे लिखेंगे। तो देखो, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। सिंपल याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको क्या वो फाई ई सबस्क्रिप्ट ई है इज इक्वल टू, सिंपल याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या होता है, इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या होगा, एरिया। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था क्या होगा, न्यूटन पर कूलम होता है। कूलम का डायमेंशन, चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, आईटी। तो न्यूटन फोर्स का, तो देखो एम एल क्या होगा, टी माइनस थ्री आई के पावर क्या होगा, माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। ठीक है, तो आप जब इसका लिखोगे फाई ई का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा एम एल क्यूब टी रेस टू क्या होगा, माइनस थ्री आई के पावर क्या होगा, माइनस वन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन कितना मिला, एम एल स्क्वायर क्या होगा, एम एल क्यूब टी माइनस टी के पावर माइनस थ्री आई के पावर क्या होगा, माइनस वन। उसी तरह इलेक्ट्रिक डाइपोल एक टर्म होता है, देखो क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, यहां भी इसका भी जो यूनिट होता है, इसका जो सिंबल होता है उसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, पी से। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जब आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां भी ये टर्म मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज। देखो क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्या होगा कि चार्ज, सिंपल याद रखना है, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन क्या होगा, बिटवीन द चार्जेज। ठीक है, सिंपल चार्ज इनटू सेपरेशन याद रखना है। तो डायमेंशन ऑफ पी, सेपरेशन का मतलब क्या हुआ, सिंपल चार्ज इनटू डिस्टेंस लिख लो, चार्ज इनटू डिस्टेंस जस्ट। अब डिस्टेंस क्या होगा ये आपको बाद में समझ में आएगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ चार्ज डाइपोल मोमेंट का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या, डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ चार्ज इनटू डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, क्या होगा, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होगा, आई टी इनटू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस क्या होगा, एल। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो एम एल टी एम रेस टू जीरो एल टी आई, यही क्या होगा, डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, सिंपल याद रखना, चार्ज इनटू डिस्टेंस। जस्ट ये बेसिकली ये एग्जैक्ट करेक्ट नहीं भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस आता है, ये भी चार्ज आता है, लेकिन क्या होता है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस डायमेंशन लिखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि चार्ज इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, एम रेज टू जीरो एल टी आई, आई क्या है, करंट का डायमेंशन है। ठीक है, इसके बाद परमिटिविटी का भी डायमेंशन मैंने बता दिया। अब हम आते हैं कि डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन जो है कई तरह से निकालते हैं, लेकिन आप देखो यहां, तो अगला जो क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। तो बी का, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशन होगा वो कई तरह से हम लिखते हैं। क्या है, कई तरह से लिखते हैं। जैसे देखो क्या होगा कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज, क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज, कोई चार्ज है, देखो ये कोई चार्ज है तो क्रॉस प्रोडक्ट आप पढ़े भी हैं, तो देखो क्या है, कोई चार्ज क्या है मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है एफ एम, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज क्या होता है क्यू इंटू क्या होता है वी, क्रॉस क्या होता है बी, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स क्यू क्या है चार्ज, ये पढ़ाया हूँ शायद मैं 10th क्लास में, जो लोग रोटरी स्कूल में थे तो फाउंडेशन बैच मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ डिटेल में पढ़ाया भी था कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। चार्ज, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ये सब मैं बोल रहा हूँ ना कि वन बाई वन अपने को क्या है आगे पढ़ना है, क्या है पढ़ना है। अब यदि स्केलर फॉर्म में लिखोगे तो एफ एम इक्वल टू क्या लिखोगे क्यू वी बी साइन थीटा, और ये क्या होता है आप जानते हैं कि ये क्या होता है दिस इज डायमेंशनलेस। मैंने ये बताया था कि जितने भी त्रिकोणमेट्रिकल रेशियोज होते हैं वो सभी क्या होते हैं डायमेंशनलेस होते हैं, याद रखना है आपको। अब यहां से आप बोल सकते हो कि बी का जो डायमेंशन होगा, यहां से हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान से कि यहां से बी इक्वल टू देखो क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ बी डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन ऑफ एफ एम मैग्नेटिक फोर्स डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ क्यू इंटू डायमेंशन ऑफ क्या होगा वी, वी क्या है वेलोसिटी है। अब फोर्स किसी भी तरह का हो क्या होता है डायमेंशन सेम ही होता है, ठीक है। क्या होगा डायमेंशन, क्या होगा फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो ऑलवेज क्या होता है सेम होता है चाहे किसी भी टाइप का फोर्स हो। तो यहाँ आप मैग्नेटिक फील्ड का जब डायमेंशन देखो तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा एम एल एस एम एल क्या होगा टी माइनस क्या हो जाएगा टू इंटू, ठीक है। क्यू का डायमेंशन क्या होगा आई टी इंटू, वी का डायमेंशन क्या होगा एल टी माइनस वन, यही होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन ऑफ देखो एम है ना, उसके बाद देखो L से L कैंसिल हो जाएगा तो M और ये T से T क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्या बचेगा आप बता सकते हो, देखो M I है ना T के पावर क्या हो जाएगा माइनस टू, क्या होगा M I क्या M माइनस I है ना M माइनस I M के पावर माइनस वन T के पावर माइनस टू, ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा डायमेंशन। एक और फॉर्मूला होता है क्या है मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज का ये फॉर्मूला है, और मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर जब आप लिखते हो, देखो इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, एक तो मेथड ये हुआ इसको यूज करके एम वन, दूसरा मेथड भी है कि आप क्या लिख सकते हो कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, तो मेथड हम क्या लिखेंगे इसको टू मान लेते हैं, दूसरा मेथड मैग्नेटिक फोर्स ऑन क्या होगा ऑन, ये सब आगे पढ़ना है, करंट कैरिंग वायर इज गिवन एज देखो क्या होगा एफ एम, इसको एम्पियर फोर्स भी बोलते हैं, एफ एम इक्वल टू क्या होगा I L क्रॉस क्या होता है L क्रॉस B। अगेन यहां यदि मैग्नीट्यूड लिखोगे तो एफ एम इक्वल टू क्या लिख सकते I L B साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट आपको मालूम है A क्रॉस B का वैल्यू क्या होता है AB साइन थीटा।
अगेन दिस विल बी क्या होगा, दिस विल बी क्या होगा, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। तो डायमेंशन ऑफ बी यहां से भी हम बता सकते हैं, देखो तो डायमेंशन ऑफ बी जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू अपॉन डायमेंशन ऑफ क्या होगा, करंट इंटू डायमेंशन ऑफ क्या होगा, लेंथ। क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ लेंथ, यही होगा ना डायमेंशन। अब यहां लिखोगे तो क्या होगा, एम एल टी माइनस क्या हो जाएगा, टू है ना डायमेंशन। उसके बाद क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ करंट इंटू डायमेंशन ऑफ लेंथ। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, एम है ना, एम देखो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एम टी क्या होगा, एम आई के पावर माइनस वन, टी के पावर क्या हो जाएगा, माइनस टू। तो दोनों तरह से आप क्या कर सकते हो, इसका डायमेंशन क्या कर सकते हो, आप आसानी से लिख सकते हो, किसका डायमेंशन, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन हम आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद देखो जितने रिजल्ट मैं बता रहा हूँ आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका डायमेंशन लिखो, तो उसके डायमेंशन लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या जरूरी है, फॉर्मूला याद रखना। दूसरा जो इसके बाद जो डायमेंशन है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन लिख दिया, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स, या हाँ पहले लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, इसको फाई एम लिखेंगे, फाई एम, दिस इज अगेन इक्वल टू क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटू क्या होगा, एरिया, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी इंटू क्या होगा, ए, ठीक है। तो डायमेंशन अब लिखेंगे फाई एम का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ बी इंटू डायमेंशन ऑफ क्या लिखेंगे, ए, डायमेंशन ऑफ ए आई मीन एरिया, तो डायमेंशन ऑफ बी क्या है, एम आई के पावर माइनस वन टी के पावर माइनस टू इंटू क्या होगा, एल स्क्वायर। अब यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एम, ठीक है, देखो एल स्क्वायर टी माइनस टू आई के पावर क्या होगा, माइनस वन। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का जब डायमेंशन लिखोगे तो इतना होगा, ठीक है, क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का। उसी तरह आप, ठीक है, इसके बाद आप जब लिखो किसका डायमेंशन, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, तो इसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, इसको कैपिटल एम से भी हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, या हाँ कैपिटल एम से, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है ये भी ध्यान रखना है, कि मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, करंट, करंट इनटू क्या होता है, एरिया, ठीक है। तो करंट इनटू एरिया, तो अब हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन अब क्या होगा, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, अब एम मत समझना, डायमेंशन ऑफ मास मत समझ लेना यार, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ करंट इनटू डायमेंशन ऑफ क्या होगा, एरिया, और डायमेंशन ऑफ करंट जो होगा वो क्या होगा, आई, और एरिया का डायमेंशन क्या होगा, एल स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे एम रेस टू जीरो, या सिंपल लिख दो क्या होगा, आई एल स्क्वायर। तो यही क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट का क्या हुआ, डायमेंशन, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट का डायमेंशन हमने क्या किया। इसके बाद तो अब देखो इसकी जरूरत है ना, फाई एम का डायमेंशन लिखने के लिए
अब एक होता है इंडक्टेंस, उसको भी हम देख ले, है ना, क्या है इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस दो तरह के होते हैं, लेकिन कोई भी इंडक्टेंस हो उसका डायमेंशन जो होगा क्या होगा, सेमी होगा। तो इंडक्टेंस, इंडक्टेंस दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस, और ये इसका जो सिंबल होता है L होता है, इसको L से डिनोट करते हैं। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको हम कैपिटल M से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। दोनों का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। अब देखो इसका यूज है, क्योंकि इसको यूज करो, फाई इक्वल टू, देखो क्या होता है फाई, आई मीन मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू क्या होता है, आई। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, और आई क्या है, करंट। उसी तरह M जब लिखोगे तो क्या होगा, देखो यहां भी लिख सकते हैं फाइ M इक्वल टू क्या होगा, M इंटू क्या होता है, आई मीन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू आई, दिस इज नथिंग बट द म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, और दिस इज नथिंग बट द करंट। ठीक है, अब यहां से देख सकते हो कि दोनों का डायमेंशन, देखो फाई का डायमेंशन यहां है। एक दूसरा भी मेथड बताता हूं इसको लिखने के लिए, इसको एम लिख लेना, आई मीन एम मेथड वन, कैसे लिख देते हैं, मेथड, मेथड वन। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हो देखो कि डायमेंशन ऑफ क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एल इज, आई मीन म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेल्फ इंडक्टेंस is equal to dimension of mutual inductance is equal to dimension of phi m divided by क्या होगा, dimension of phi। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं dimension of phi, यहां मालूम है यार क्या होगा, ठीक है, m, m क्या होगा, l square t raise to क्या होगा, minus 2, क्या होगा एम एल स्क्वायर, क्या होगा टी रेस टू क्या होगा, माइनस टू। देखो ध्यान से क्यों, क्योंकि ये जो आई होगा वो क्या हो जाएगा, आई के पावर माइनस वन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, नहीं आई के पावर माइनस वन है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने यार, आई के पावर क्या हो जाएगा यहाँ, माइनस टू। तो किसका डायमेंशन हुआ, किसका, सिंपल याद रखना है इंडक्टेंस कि डायमेंशन ऑफ नथिंग बट द क्या होगा, डायमेंशन ऑफ इंडक्टेंस, यहां लिख देता हूं डायमेंशन ऑफ क्या होगा, ऑफ, देखो कंफ्यूज मत होना यार, ये मत बोलना कि सर आप इधर एम ले, ये क्या है बेसिकली, क्या है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम एम से डिनोट करते हैं। फिजिक्स में सबसे, आप देखोगे तो फिजिक्स में एक ही सिंबल का यूज कई जगह होता है, जैसे मैं, ठीक है, इसलिए आप ये मत कंफ्यूज होना कि सर यहां एल लिखे हैं तो क्या लेंथ है, क्या लेंथ नहीं है यार, लेंथ नहीं है यहां आप कंफ्यूज, इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं सेल्फ डायमेंशन ऑफ इंडक्टेंस। डायमेंशन ऑफ क्या होगा, इंडक्टेंस, एक मेथड भी है। दूसरा मेथड क्या है कि एनर्जी स्टोर्ड, देखो दूसरा मेथड बता रहा हूं, तो इससे भी आप लिख सकते हो। दूसरा जो मेथड है उसको मैं लिख सकता हूं कि देखो क्या होगा यहां से कि एनर्जी स्टोर्ड, यहां लिख सकते हैं मेथड टू, एनर्जी स्टोर्ड स्टोर्ड बाय इंडक्टर इज क्या होगा, गिवन एज, देखो क्या होगा, U इज इक्वल टू वन बाई टू एल आई स्क्वायर, एल आई स्क्वायर, समझ में आया ना क्या होगा, एल आई स्क्वायर, एल क्या है इंडक्टेंस, आई क्या है करंट, आई मीन आई स्क्वायर।
एल क्या है? इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। ये सब आपको पढ़ना है 12 चैप्टर में, पढ़ो 12 क्लास। अब देखो यहां से लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ये क्या होगा, दिस 1/2 विल बी डायमेंशन लेस। तो हम बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ क्या होगा, डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाई क्या होगा, डायमेंशन ऑफ करेंट स्क्वायर। ठीक है, तो एनर्जी का डायमेंशन मालूम है कितना होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और ये क्या हो जाएगा, आई माइनस टू। यही देखो तो यही है क्या डायमेंशन। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो डायमेंशन होगा वो, या सिंपल इंडक्टेंस का क्या होगा, सेम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया है। क्या है देखो, आईआईटी में पूछा गया है कि द डायमेंशन ऑफ एल बाई आर, एल क्या है इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, और आर क्या है रेसिस्टेंस। तो यहां से आईआईटी का एक क्वेश्चन है कि द डायमेंशन ऑफ क्या होगा, डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ एल, एल बाई आर, एल क्या है इंडक्टेंस, आर क्या है रेसिस्टेंस। ठीक है, क्या होगा, ऐसे भी लिख देते हैं, इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस अपॉन रेसिस्टेंस, और इसको मैं लिख देता हूं एल बाई क्या होगा आर। एच देखो यहां ऑप्शन दिया हुआ है, क्या होगा एम एल रेस टू जीरो, टी रेस टू जीरो, बी जो है क्या है एम रेस टू जीरो, एल रेस टू जीरो, टी रेस टू जीरो, आई मीन डायमेंशन लेस होगा। सी ऑप्शन देख लो तो क्या होगा, एम रेस टू जीरो, एल रेस टू जीरो, टी, और डी ऑप्शन देख लोगे तो क्या होगा, एम रेस टू जीरो, एल रेस टू जीरो, टी माइनस वन। ठीक है, तो आपको यदि L का डायमेंशन मालूम है, R का डायमेंशन मालूम है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। ये IIT का आया हुआ क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द IIT एग्जाम, है ना। तो हाँ, लेकिन यही है कि जब आप IIT का एग्जाम दोगे तो L को भी समझ जाओगे कि L क्या है, R को भी समझ जाओगे कि R क्या है, है ना। तो आप उसको बहुत अच्छे तरह से डील कर सकते हो, है ना। तो यहाँ L का डायमेंशन अभी हमने देखा है, R का डायमेंशन क्या है आपको याद होना चाहिए। तो इसको आप देखोगे, इसको खुद से ट्राई करना, L का डायमेंशन लिखोगे तो मैं अभी बता देता हूँ, L का डायमेंशन और R का डायमेंशन जो L बाई R, इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, टाइम के डायमेंशन के क्या होगा, इक्वल होगा। तो आगे जब पढ़ोगे, जिस तरह मैंने कैपेसिटिव टाइम कॉन्स्टेंट बताया था उसी तरह क्या होता है, इसका हिंट्स देता हूँ, ऐसे आप प्रूव कर लेना इसको सोल्यूशन में, कि क्या होता है L बाई, देखो L बाई R, L अपॉन R इज कॉल्ड इंडक्टिव टाइम कॉन्स्टेंट। क्या होता है इंडक्टिव टाइम, क्या होगा कॉन्स्टेंट। तो यहां से आपको ध्यान देना है कि, और एक क्या था, कैपेसिटिव टाइम कॉन्स्टेंट। तो डायमेंशन ऑफ L अपॉन R जो होगा वो क्या होगा, दैट विल बी डायमेंशन ऑफ क्या होगा, टाइम। याद कर देना चाहिए, जैसे बताया था ना आर सी, बताया था ना, देखो आर इंटू सी, इसके पहले क्लास में बताया था, आर क्या है रेसिस्टेंस, सी क्या है कैपेसिटेंस, उसका भी डायमेंशन क्या होता है, एम रेस टू जीरो, एल रेस टू जीरो, टी, आई मीन दोनों का एल बाई आर और आर सी का डायमेंशन जो होगा वो क्या होगा, टाइम का डायमेंशन है। इसको आप पॉसिबल हो तो रट जाना, क्योंकि ये टेस्ट जब दोगे तो उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, और नहीं तो आप क्या करोगे, L का डायमेंशन लिखा हूं, R का डायमेंशन लिखना, R का डायमेंशन कैसे बताया था कि R का डायमेंशन क्या होगा आपको ही मालूम है। दूसरे तरह से भी मैं बता सकता हूं कि इसको यहां से भी R का डायमेंशन या फाई कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन बाद में। तो R का डायमेंशन कैसे लिखाओगे, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर होगा, तो R का डायमेंशन क्या होगा, पावर का डायमेंशन अपॉन करंट स्क्वायर का डायमेंशन। तो यहां से सॉल्व करोगे तो आसानी से क्या होगा, आंसर
आ जाएगा, ठीक है। दूसरा इसमें हम देखते हैं, अब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द डायमेंशन, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, आप इसको भी सॉल्व करना, होमवर्क देता हूं। द डायमेंशन ऑफ क्या होगा, देखो यहां होमवर्क देता हूं, ऑप्शन मैं नहीं लिख रहा हूं, फाइंड द क्या होगा द, हाँ एक चीज और लिख देता हूं उसके बाद, फाइंड द क्या होगा, पहले इसके पहले मैं एक और पॉइंट लिख देता हूं उसके बाद हम देखते हैं। अब हम आते हैं कि परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी का डायमेंशन कैसे लिखेंगे, परमियाबिलिटी ठीक है ऑफ फ्री स्पेस ठीक है। इसका जो सिंबल होता है इसको म्यूनट पढ़ते हैं या म्यूनट, ठीक है। तो परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का जो डायमेंशन, इसको हम कैसे लिखेंगे। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड से हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना, कैसे से सॉल्व कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से भी हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। तो और भी है, दूसरा मेथड भी है, स्पीड ऑफ लाइट का जो वैल्यू आता है वो भी यहां से आएगा, ठीक है। अब देखो परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जो होता है, अब एक फॉर्मूला मैं बता देता हूं, देखो ध्यान से, कि बी का जो वैल्यू होता है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड 1/2 एल आई स्क्वायर, वैसे भी लिख सकते हैं लेकिन छोड़ो जाने दो। ये करंट कैरिंग वायर है तो देखो बी इज इक्वल टू क्या होगा म्यूनट आई अपॉन क्या होगा 4 पाई, या 2 पाई क्या होता है 2 पाई डी होता है, ठीक है। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, आई क्या है करंट, और डी क्या है डिस्टेंस, डी क्या है डिस्टेंस, क्या है डी इज इक्वल टू क्या है डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो यहां से, और यही इसी को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी नहीं परमियाबिलिटी लिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो और दिस विल भी क्या होगा डायमेंशन लेस, ये जो होगा ये क्या होगा 2 पाई 3 पाई, ये डायमेंशन लेस होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू डायमेंशन ऑफ डी अपॉन डायमेंशन ऑफ क्या होगा आई, यही होगा ना यार। तो यहां से देखोगे कि ये डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अभी बताया था मैंने, क्या था डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताया था, तो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, अब देखो डायमेंशन ऑफ, यहां याद तो नहीं है, B इज इक्वल टू F इक्वल टू क्या होगा आई एल बी, तो B का जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई क्या होगा L I, तो ये कितना हो जाएगा M T माइनस टू आई के पावर क्या हो जाएगा माइनस वन, ठीक है। तो देखो यहाँ डायमेंशन ऑफ B मैं लिख देता हूँ, ये मत लिखना है जस्ट मैं, क्योंकि मुझे याद नहीं है, तो मैंने यहाँ F इक्वल टू आई एल बी लिखा, और F का एम एल टी माइनस टू अपॉन एल इंटू क्या होगा आई, एल का डायमेंशन एल एल ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो एम टी के पावर माइनस टू आई के पावर माइनस वन, तो यहाँ हमने लिखा एम टी के पावर क्या होगा टी के पावर माइनस टू आई के पावर माइनस वन इंटू डी क्या है यार डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा एल, और यहाँ देखो ये क्या है करंट है, तो करंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी डायमेंशन मिल, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा
कि देखो क्या होता है। तो यहां से आप देखोगे तो डायमेंशन ऑफ फ्री स्पेस जो आएगा, परमियबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, एम, ठीक है, टी माइनस टू आई के पावर क्या हो गया, माइनस टू। तो ये तुमको क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट द डायमेंशन ऑफ, ये याद कर जाना चाहिए, डायमेंशन ऑफ परमियबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो पूछा भी गया है, ये भी आईआईटी का क्वेश्चन है, मैं आपसे बता रहा हूं, और आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि सही में आईआईटी का क्वेश्चन है क्या, कि सर झूठ भी बोल रहे थे। तो आप देखोगे कि ये डायमेंशन, अब देखो इसका जो डायमेंशन कोई पूछे आपसे, देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है ना, कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ क्या है, फाइंड, आई मीन देखो ऐसे ऑप्शन में दिया हुआ है कि डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ये जानते हो इसको क्या बोलते हैं, परमियबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। डायमेंशन ऑफ इतना इज, फोर ऑप्शन दिया हुआ है, देखो यहां ध्यान से, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एम एल टी माइनस वन, सेकेंड ऑप्शन क्या है, एल टी, थर्ड ऑप्शन क्या है, एम रेस टू जीरो एल टी माइनस क्या है, और डी जो है वो मान लो, ये आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार भी आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन, आप देखना जब सॉल्व करना तो तुमको मालूम चलेगा। अब देखो ये दोनों डायमेंशन मैंने ऑलरेडी बताया कि परमियबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशन क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ, वेयर, यहां लिख लेना है, यहां मैं बता देता हूं कि वेयर, वेयर ये दिया रहेगा कि परमियबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और इप्सिलन जीरो, इसको मैंने बताया था कि इसको म्यूनट पढ़ते हैं और इसको इप्सिलन जीरो पढ़ते हैं, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो देखो यहां से ध्यान से, ये जब इसको वैल्यू लिखोगे तो ये क्या होता है, आप जानते हो, मैं हिंट देता हूं, आप इसको खुद से ट्राई कर लेना, क्योंकि यार मुझे इसका भी डायमेंशन याद नहीं है, अब उतना तो रट नहीं सकता, लेकिन एक इसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन क्या होगा, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस इज क्या होगा, गिवन एज सी इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, देखो ये कितना आसान है। अब ऐसे यार यदि ये आपको मालूम है कि c इक्वल टू ये होता है, c का मतलब क्या है, स्मॉल c, कैपिटल c मत लिखना, दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इनटू 10 रेस टू, आप इसका वैल्यू रखो, इसका वैल्यू कितना आता है, देखो ये भी मैं बता देता हूं, इसका वैल्यू होता है क्या होता है, 8.85 इनटू 10 रेस टू माइनस 12 फैराड पर मीटर, यूनिट छोड़ दो यार, और इसका वैल्यू आता है कितना, 4 पाई इनटू क्या होगा, 10 रेस टू माइनस 7 एम्पियर पर मीटर, इसका वैल्यू रखोगे तो सी का वैल्यू तुमको मालूम है, सी इक्वल टू कितना आता है, सी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज टू 8 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, यदि आपको मालूम हो कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, तो स्पीड का डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन, तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि आंसर जो होगा क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, क्या होगा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन किसका होगा, कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन होगा।
ठीक है। तो ये आपको कुछ कुछ चीजें हैं जैसे आपको ये याद कर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये याद कर जाना चाहिए। सी इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नट इप्सिलॉन नट, ठीक है, या इप्सिलॉन जीरो, ठीक है। तो ये आपको क्या करना चाहिए, याद करना, जैसे मैंने बताया था अभी कि एल बाई आर, वो याद कर जाना चाहिए। आर सी ये क्या होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कि कोई भी जब आप टेस्ट दोगे तो उसमें क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो ये आपको क्या करना चाहिए, याद कर जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहां से कितना, आई मीन डायमेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू क्या होगा, इसका डायमेंशन लिखो और सी का डायमेंशन लिखो, दोनों क्या है, सेम है, या आपको लग रहा है तो इसका डायमेंशन लिख करके उसका रूट लिखो, वन अपॉन लिखो, तो एल टी माइनस क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ध्यान से, अब ये ईवीआरटी का बोलो कि देखो ईवीआरटी का क्वेश्चन, कि द डायमेंशन ऑफ क्या होगा, द डायमेंशन ऑफ वन बाई टू इप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर, अब सब आप जानते हैं, है ना, एंड डायमेंशन ऑफ वन बाई टू बी स्क्वायर अपॉन म्यू नट, इस दोनों का डायमेंशन सेम होगा, ठीक है, कि द डायमेंशन ऑफ इतना एंड डायमेंशन ऑफ इतना आर लिख सकते हो, देखो आर ऑप्शन में लिख देता हूं, देखो ए में क्या है, देखो मैं लिख रहा हूं, है ना, तो एम एल माइनस वन क्या होगा, टी माइनस टू, ठीक है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। बी में क्या है, देखो ध्यान से, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और ये क्या है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। सी में देखो क्या है, कि एम एल एल माइनस वन टी माइनस टू, और इसका जो डायमेंशन होगा क्या होगा, एम, ठीक है, एल टी माइनस टू, और डी जो ऑप्शन है सिंपल मैं लिख देता हूं, नन, ठीक है। अब आपको यदि मालूम है, ये जब आगे पढ़ोगे, अब देखो ये भी पूछा हुआ है और इसको रट जाना चाहिए, है ना, अभी के लिए, बाद में तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या करते हैं। तो दिस इज क्या होगा, दिस इज ऑल्सो एनर्जी डेंसिटी, और ये भी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी होता है, दोनों एनर्जी डेंसिटी है। आप नहीं हो तो ई का डायमेंशन लिखो, इप्सिलॉन जीरो का डायमेंशन लिखो, बी एस का डायमेंशन लिखो और इसका डायमेंशन लिखो, और देखो तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ये याद रखना है, सॉल्यूशन में बस याद रख लेना है कि क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, वन बाई टू इप्सिलन ई स्क्वायर। सिमिलरली क्या होगा, ये एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इक्वल टू, और दूसरा क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी इन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। अभी भी रट जाना चाहिए, देखो तो वन बाई टू, आई मीन इन दोनों का डायमेंशन जो होगा वो एनर्जी डेंसिटी के क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ वन बाई टू इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वन बाई टू। तो
इसका डायमेंशन लिखने से बेटर है कि हम एनर्जी डेंसिटी क्या है, एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा यार, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, देखो तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम यही होगा ना, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो इसका डायमेंशन लिखोगे तो क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन क्या होगा, एल स्क्वायर सॉरी एल क्यू। और तो इसको लिखोगे तो क्या होगा, एम एल माइनस वन टी माइनस क्या हो जाएगा, इस हिसाब से देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ए होगा। तो ये टर्म देखो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको अब याद रखना चाहिए कि ये क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्या है दिस रिप्रेजेंट, क्या होगा एनर्जी डेंसिटी, क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, एनर्जी डेंसिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से आपको यदि टर्मिनोलॉजी मालूम है या सिंबल क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन लिख सकते हो। तो मोर अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट आंसर होगा, यही क्या होगा, ये भी एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन है, ये भी क्या है एनर्जी, और हमने देखा कि दोनों का डायमेंशन जो होगा वो क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी के डायमेंशन के क्या होगा, इक्वल होगा। इसके बाद अभी हम और भी कुछ टर्म है जिसको देखेंगे, तो ये भी पूछा जाता है कि इसका डायमेंशन क्या होगा, किसका, देखो ध्यान से, अब सब कुछ अपने को मालूम है, क्या है, सब कुछ मालूम है कि डायमेंशन फाइंड या राइट डाउन द क्या होगा, द डायमेंशन ऑफ वन अपॉन रूट क्या होगा, एल इंटू सी। एल क्या है, एल अभी बताया था, एल इज इक्वल टू क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस, और सी जो है क्या है, सी लाइट नहीं है, कैपिटल सी क्या है, लाइट क्या, स्पीड नहीं है, कैपेसिटेंस। ठीक है, क्या होगा, तो इसका जो डायमेंशन होगा ये आता कितना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, इक्वल होता है। मैं यहां से बता देता हूं आपको कि ओमेगा, ओमेगा को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो सॉल्यूशन में मैं लिख देता हूं, ये भी कई बार पूछा हुआ है, तो यहां मैं सॉल्यूशन में लिख देता हूं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, देखो तुम लोग नाइन्थ क्लास में जब साउंड चैप्टर पढ़े होंगे तो यहाँ ये पॉइंट पढ़ेंगे, ओमेगा, इवन ओमेगा को हम क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते थे, एंगुलर वेलोसिटी मैंने बताया था। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होगा, टू पाई क्या होगा, एफ, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, और इसको हम ऐसे ही पढ़ते हैं, टू पाई अपॉन क्या होगा, टी, टी क्या है, टाइम पीरियड, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू वन अपॉन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि इसका जो डायमेंशन होगा वही क्या होगा, टाइम का भी क्या होगा, क्योंकि ये टू पाई जो है वो क्या है, डायमेंशन लेस होगा, ये भी क्या है, डायमेंशन लेस है। और इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका ओमेगा का, एफ का डायमेंशन क्या होगा, टी माइनस वन होगा। तो हम लिख सकते हैं, देखो कि डायमेंशन ऑफ क्या होगा, यहां से लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सिंपल फ्रीक्वेंसी है, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वन अपॉन रूट क्या होगा, एल सी। अब देखो एल और सी का डायमेंशन मैंने ऑलरेडी लिखा है, तो आप यहां रख करके भी चेक कर सकते हो
इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ टी के पावर माइनस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना चाहिए कि डायमेंशन हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ दिस इज नथिंग बट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज फ्रीक्वेंसी, इसको न्यू भी पढ़ते हैं, और दिस इज वन अपॉन रूट एल सी। ठीक है, और दिस इज क्या होगा, टी माइनस वन। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, टी के पावर क्या होगा, माइनस वन होगा। स्क्वायर रूट ऑफ अपॉन एल सी का भी डायमेंशन होगा, वो भी क्या होगा, टी के पावर वन होगा। क्या होगा, टी के पावर वन, क्या होगा, टी के पावर वन होगा। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और भी हम एग्जाम्पल देख लें। तो देखो रिजल्ट आपको अभी बोलो कि सर डेली अब इसको हम याद कैसे करें, तो मैंने वही बताया था कि आपको डेली एक बार लेक्चर जैसे ही फिनिश हो नोटबुक को क्या करो, कंप्लीटली फार्मूला को एक बार रिवीजन करो, डेली क्या करो, वन टाइम रिवीजन करोगे तो आसानी से क्या होगा, आपसे ये क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं, एक होता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको हम क्या जिससे डिनोट करते हैं, के से। अब देखो क्या है, जब किसी भी स्प्रिंग को क्या करोगे, स्ट्रेच करोगे तो एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो सिंपल क्या होगा कि देखो Fs स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू क्या होगा, x, दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स, दिस इज क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड एक्स क्या है, डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन इन द क्या होगा, इन द स्प्रिंग। और इसी को क्या बोलेगा, डिफॉर्मेशन का मतलब क्या, एलोंगेशन और कंप्रेशन, और ऐसे इसको लिख सकते हैं, एलोंगेशन, एलोंगेशन और क्या होगा, कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, तो आप यहां से आसानी से देखो ये क्या है, x क्या है, डिस्टेंस है, सिंपल याद रखना। तो डिस्टेंस का अब देखो, तो स्प्रिंग कांस्टेंट का जो डायमेंशन होगा वही क्या होगा, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि डायमेंशन आप क्या होगा, k इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ क्या लिखेंगे, सिंपल लेंथ। ठीक है, क्या होगा, डायमेंशन ऑफ सिंपल क्या लिखेंगे, हम लेंथ लिखेंगे, किसका डायमेंशन लिखेंगे, लेंथ का डायमेंशन लिखेंगे। और यहां से आसानी से क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो कि k का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन कितना होगा, एम एल टी माइनस क्या हो जाएगा, वन डिवाइडेड बाई क्या होगा, एल, तो ये क्या हो जाएगा, के का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, एम एल रेज टू जीरो टी के पावर क्या होगा, माइनस वन। ठीक है, तो ये आपका किसका डायमेंशन हुआ, फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशन हो गया। तो इसके बाद हम एक दो पॉइंट और लिख लें, है ना, क्या है, एक दो पॉइंट और हम लिख लेंगे तो आसानी से क्या होगा, डायमेंशन। ठीक है, तो अब कुछ चीज़ें और भी हम देखेंगे, लेकिन कल इसके नेक्स्ट क्लास में, अभी यह छोड़ दो इतना ही, इसके नेक्स्ट क्लास में हम एक दो और डायमेंशन लिखना है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, आपको क्या करना है, डेली फार्मूला एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, और डेली क्या करो, फार्मूला तुम क्या करो, लिखते जाओ तो, या सॉरी देखते जाओ, तो जब आप फार्मूला डेली देखोगे तो आपको रिजल्ट क्या हो जाएगा, आसानी से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही।